हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी अड़सठवीं एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, जो बीपीएससी अड़सठवीं एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे जो जो पहली बार तैयारी करते हैं या पुराने भी स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ कन्फ्यूजन होता है क्या सिलेबस चेंज होने वाली, थोड़ा सा इन्हीं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्यों। और हाँ, पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बीपीएससी और सटमी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट वगैरह इवनिंग में, मतलब लगभग 8 से 10 बजे के बीच में एवरी डे अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप लोग देखा कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करें, बीपीएससी और सटमी एग्जाम जो कि आप लोग का 2023 में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, पीटी, ठीक है। और पीटी भी आप लोग का 2023 में होने वाला है, और मेंस भी आप लोग का जो 2023 में ही होने वाला है बेसिकली, ठीक है। दोनों एग्जाम ही बेसिकली 2023 में होने वाले हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र करने वाले हैं, क्या सिलेबस में चेंज होगी या नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें, पीटी एग्जाम है ना, चेंज के मामला में बता दें, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अब सिलेबस में चेंज क्यों नहीं किया जाएगा, कि आप बिहार के साथ साथ आप अदर स्टेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, साथ में यूपीएससी एग्जाम को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट वाला पार्ट तो फिक्स है, पूछना ही पूछना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है, सिलेबस में लग रहा है चेंज होगा तो लग रहा है कि करेंट अफेयर नहीं आएगा क्या, करेंट अफेयर आएगा तो थोड़ा कम आएगा क्या, हिस्ट्री आएगा तो क्या थोड़ा कम आएगा। तो ये सब डॉट, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, फिक्स है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पूछना ही। हाँ, चेंज कहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, तो चेंज यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, जो एक नंबर मार्किंग में देख सकती है, नेगेटिव मार्किंग में देख सकती है, ऑब्जेक्टिव जैसे ऑप्शन 5 होता है तो वहाँ 4 ऑप्शन कर दिया जाएगा। तो ये सब चेंज जो देख सकते हैं, जो कि एक बेसिक चेंज है, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो बस आप ये देखेंगे कि हमें तैयारी कैसे करना है बेसिकली, ना कि आप ये सोचेंगे कि चेंज हो रहा है तो फिक्स है कि किसी भी कीमत में, चाहे हिस्ट्री हो, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से पहले बीपीएससी में चेंज अगर आया भी होगा तो कुछ ना कुछ आपको यही सब चेंज देखने को मिला होगा। ऑप्शन 5 देखने को मिला होगा, क्वेश्चन का लेवल जहाँ 100 होता था वहाँ 150 देखने को मिला होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला होगा, तो ये एक बेसिक चेंज होगा। तो आप माइंड में ये मत एक सेटअप कर ले कि हाँ सिलेबस चेंज होने वाला, सिलेबस कभी चेंज नहीं होगा, सिलेबस फिक्स रहता है हमेशा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, रहा मेंस में, ठीक है। अब देखिए, मेंस के बारे में यहाँ पे हम भी नहीं बता सकते हैं, जब तक आयोग की ओर से कोई अगर निर्णय नहीं आएगा ना तब तक नहीं। हाँ, मेंस में ये जरूर होता है कि कुछ कुछ जैसे टॉपिक है वो उस चीज़ को कट कर लिया जाता है, जैसे कि अगर आप मेंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका सिलेबस बेसिकली क्या होता है, आयोग हमेशा जिक्र कर देता है। बट बीपीएससी पीटी एग्जाम का, चाहे आप बीपीएससी का क्यों भी एग्जाम क्यों नहीं देते, हम सभी एग्जाम का देखेंगे, पीटी एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल नहीं बताता है, सिर्फ लिख दिया जाता है, सामान्य अध्ययन लिख दिया जाता है, या कभी कभी ये भी चीज़ लिखा जाता है डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई कोई एग्जाम में, जैसे कि अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग हो, असिस्टेंट हो, तो वहाँ सर ये सब चीज़ जिक्र कर दिया जाता है। बट मैक्सिमम एग्जाम में सिलेबस पीटी एग्जाम का कोई ब्रीफली डिस्कस बताती नहीं है बीपीएससी, बट मेंस का जो पेपर 2 होता है, ठीक है, और आप लोग के लिए मेंस होता है बेसिकली, उनका सिलेबस बेसिकली ब्रीफली बता दिया जाता है। तो वहाँ पर सिलेबस आपको चेंज दिख सकते हैं, अगर चेंज करना को उन्हें होता है तो, ठीक है। कोई कोई टॉपिक को बेसिकली क्या होता है कि कट कर देता है, मतलब ये टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये सब आपको चेंज दिखने को मिलता है, जो कि जब आप यहाँ पे जब तैयारी करेंगे तो पीटी तो बहुत सारे स्टूडेंट खुद से तैयारी भी कर लेते हैं या एक नॉर्मल कोचिंग लेके भी तैयारी कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पहले पढ़े भी होते हैं तो पीटी निकाल लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। बट मेंस के लिए तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आप पहली बार तैयारी करते हैं या आपके पास अनुभव नहीं है, बहुत सारे जो मेच्योर होते हैं तो वो मेंस भी कर लेते हैं, बहुत सारे बालक अवस्था में आते हैं तैयारी करने के लिए तो उनको ये सब प्रॉब्लम आता है। तो मेंस के लिए जब कोचिंग लीजिएगा तो वहाँ सब आपको सारा बता दिया जाएगा कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक को मतलब अब इस बार से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बीपीएससी जब भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करेगी आप लोग के वैकेंसी रिलेटेड, तो वहाँ पे मेंस का सिलेबस भी बेसिकली जिक्र कर दिया जाएगा, बट पीटी में कोई ऐसा चेंज आपको दिख नहीं सकता है, ठीक है। तो कुछ यही था आप लोग के बीच यहाँ पे शेयर करा, तो परेशान नहीं होना है कभी भी, ठीक है। जब भी तैयारी करते हैं तो ये मत सोचे कि हाँ आप सिलेबस चेंज होगा तो इसका मतलब ये एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ था, आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छा लगा होगा। और इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन का डॉट या कोई चीज़ और पूछना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट करके नहीं पूछ सकते, बेहिचक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अच्छा लगे तो एक फ्रेंड से आप लोग जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।